राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह डंफर की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार तीन युवक हादसे का शिकार हो गए। तीनों को मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। हॉस्पिटल में तीनों का इलाज जारी है। तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक पर सवार युवक मंगोलपुरी कॉलोनी से रानीबाग की तरफ जा रहे थे। सुबह खाली सड़क देखकर बाइक सवार युवक काफी स्पीड और जिग जैग बाइक चला रहे थे। तभी मोड़ पर आ रहे डंफर के पिछले हिस्से के नीचे बाइक आ गई, जिससे तीनों युवक के कमर और हाथ पैरों में चोट आई। तो वो पिछले टायर के नीचे आ गए, तो ड्राइवर की शराफत देखो सर, गाड़ी रोक के उनको उठाया, देखा भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और फिर उन्होंने पिछले 100 नंबर पर कॉल की, 100 नंबर की गाड़ी लेट आई, फिर वो ट्रिपल वाले को फ़ोन किया उसने, और इनको लेके वो संजय गांधी हॉस्पिटल गया। संजय गांधी हॉस्पिटल गए? हाँ जी। उसमें कैसी हालत है बच्चों की? दो तो ठीक है, एक की सीरियस है। तो उसने अपने मालिक को फ़ोन किया, उसका मालिक भी आ गया, और फिर आगे जो पब्लिक थी लोग जो आशा खरीदे उन्होंने उसको मारा। ये नहीं देखा कि उसकी इंसानियत को नहीं देखा, और उसको बेचारे को इंसान को मारा, ड्राइवर को। हाँ जी। कितने बजे की घटना होगी ये? 4:50 की। बताया जाता है कि खुद डंफर चालक ने पुलिस को कॉल कर सूचना दी और तीनों को हॉस्पिटल भिजवा दिया। फिलहाल राज पार्क थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घटना सीख देती है कि खाली सड़क देखकर स्टंटबाजी नहीं करनी चाहिए, साथ ही अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें।